और ये मत कहना कि दीदी माँ धर्म की हानि अधर्म करता है, मुझे मत कहना, मैं मानती नहीं इस बात को। धर्म की हानि तथा कथित धार्मिक करते हैं। तो मुझे ये मत कहना कि दीदी माँ नकली सिक्कों को नुकसान कंकड़ पत्थर पहुंचाते हैं। नहीं, नकली सिक्कों को, असली सिक्कों को नुकसान कंकड़ पत्थर नहीं पहुंचाते, असली सिक्कों को नुकसान नकली सिक्के पहुंचाते हैं। अगर तुम्हारे पास 100-100 के दो नोट आ जाएं, एक नकली एक असली, और तुम्हें पता चल जाए कि एक नकली है, तो क्या करोगी? असली को गांठ में बांध लोगी कि ये तो कभी भी चल जाएगा? पहले नकली को चलाने की कोशिश करोगी ना? बोलो ना। और जिसको देके आओगी, और जब वो नकली पहचान जाएगा तो वो क्या करेगा? समझ में आई बात कि नहीं आई? क्यों नहीं आई? असली बैंक खातों में, खानों में पहुंचता है, और नकली बाजार में घूमता है, क्योंकि सब व्यक्ति उसको पहले चलाना चाहते हैं, इसलिए नकली ज्यादा चलता है। और कभी कभी इतनी आवदार होता है नकली कि असली पे शक होता है, नकली पे शक। और मेरा निवेदन है, अगर हम सोचते हैं कि हमें नुकसान कोई और, धर्म की हानि कौन करता है? जो धार्मिकता का लबादा ओढ़ता है पर धर्म की आभा जिसके जीवन में नहीं है, वो धर्म का नुकसान करता। गम उनका नहीं जो मौजों में तूफान के मारे डूब गए, रोना तो उनकी किस्मत पर जो बैठ किनारे डूब गए। तुम मंदिर जाओ प्रातः काल दर्शन करके, और घर आते ही तूफान खड़ा कर दो, तो तुम्हारे नाती पोते मंदिर जाने वाले नहीं है, बोले मंदिर जाके इनका कुछ नहीं बना तो हमारा क्या बन जाएगा? किसने नुकसान पहुंचाया मंदिर को? अब तुम्हें मेरी कथा पसंद आएगी नहीं, कड़वापन कभी पसंद आता होता नहीं, तो मेरा तो दोष नहीं, मैं व्यासपीठ पे हूं, मेरा धर्म बनता है कि मैं सत्य का उद्घाटन करूं। और जीवन में सहजता, सच्चाइयां, सरलता। और तुम क्या सोच रही हो कि दीदी माँ मैंने इतने उपवास किए, मैं धार्मिक हूं, लेकिन तुमने 10 के दिल तोड़ दिए, ये कैसी धार्मिकता है? चाय नहीं पीते ना जो, चाय पीने वालों का नाक में दम करते हैं, सुबह 4 बजे क्या जाग गया, पूरे मोहल्ले का नाक में दम कर दिया, ये धार्मिकता है? धर्म हमारे चित्त में खिलता है, और उसकी खुशबू हमारे व्यवहार में फैल जाती है, और दूर दूर तक पहुंच जाती है, चुपचाप चुपचाप चुपचाप। एक खिलने वाला पारिजात का पुष्प है जो रात्रि को झरता है और सारी धरती को धन्य कर देता है। धर्म की आभा वनस्थली में टिप 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 झरती हुई ओस की बूंदों की तरह होती है, जिनकी पदचाप भी सुनाई। बोलो ना, कदाचित। और यहां तय हो गया कि राम युवराज बनेंगे, और सुरपुर में व्याकुलता आ गई। क्यों व्याकुलता आ गई? क्योंकि भगवान का अवतार अयोध्या के सिंहासन पर बैठकर राजा बनने के लिए हुआ नहीं था। कितने राजा आए, कितने राजा चले गए, बहुत सारे राजा आए, कोई चमड़े का ही सिक्का चला गया, कोई कुछ कर गया, कोई कुछ कर गया। और भारत की धरती पे तो राजाओं को गिना ही नहीं जाता, गिना जाता है क्या? इतने राजा हुए, सुरों में हलचल मच गई। हलचल क्यों मच गई? मैं जिस जगह आपको ले जाना चाहती हूं, रावण, रावण कितना बड़ा अनुष्ठान करता था, कितना शिव भक्त था रावण। लंका को उपनिवेश बनाया, पूरे भारत की धरती का पद्दलन कर दिया। शिव तांडक रचयिता रावण, उसने ऐसा कुल पैदा किया, उसने ऐसी ऐसा समाज पैदा किया जिसने ऋषि मुनि की सारी व्यवस्थाओं को भंग करके रख दिया।
बहुत बार लोग मुझे कहते हैं कि दीदी माँ सनातन धर्मियों को रावण को जलाना नहीं चाहिए, वो विद्वान था, वो धार्मिक था, लेकिन जहां भी उसको सुंदरता दिखाई देती थी वहीं अपहरण कर लेता था। इसका मतलब वो कामी था, क्रोधी भी था। स्वर्णमयी लंका में डेरा डालकर बैठा था रावण। लंका के लोग मानव मांस को भक्षण करते थे। वायु देव, वरुण देव और सब तो व्याकुल थे। वायु को लगता था कि अरे हम तो पत्ते चुनने के लिए, न सूखे पतझड़ हो जाती है, वायु चलती है सारे पत्तों को उड़ा कर ले जाती है, लेकिन पत्तों की जगह मांस हड्डियां ऐसी गंदगी, तो वायु देव क्षुब्ध होते हैं। अग्नि को अगर प्रसन्नता होती है जब अग्नि में शाकल्य समिधा के साथ जलता है, पर उसी अग्नि को मानव मांस जलाना पड़े, आहत घायल पशुओं को। देव 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 वहां बंदी थे, उसका अर्थ क्या है? मांस, मैथुन, मदिरा, पंच मकार उसने निश्चित किए। हमारे देश में तो ईश्वरवादियों को अनीश्वरवादी दोनों के लिए जगह है। चार वाक को सुनो, जब तक जियो सुख से जियो, उधार लेकर घी पियो। चार वाक ये नहीं कहता उधार लेकर शराब पियो।